बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने फिर एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हमने बनाए थे गोरा कबाब, तो जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बकरा ईद है तो बकरा ईद पे तो सबके पास ही गोश्त होता है और कीमा तो लाजमी होता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 1 किलो हमने बीफ का कीमा लिया था, 1 प्याली हमने तली हुई प्याज, हरी मिर्ची हमने पीस ली थी, कच्चा पपीता 2 चमचे, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 खाने के चमचे लिए, नमक हसबे जायका, जायफल जावित्री हमने पीस ली है, गर्म मसाला, पिसी हुई मिर्चें और फूड कलर। पिसी हुई मिर्ची और गरम मसाला हमने 1/2 टेबल स्पून लिया है। अब देखिए, ये सब सामान को हम मिक्स करके फिर हम चॉपर में डाल के चॉप करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि गोला कबाब का मिक्सचर आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा है ना मैश हुआ हुआ होता है। तो हम हाथ से तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कीमा भी थोड़ा मोटा मोटा है, तो हम इसको अच्छी तरीके से कि ब्लेंड हो जाए। मेरा थोड़ा चिकना कीमा नहीं था, आप चाहें तो चिकना ले सकते हैं, और मैं कहूँगी कि चिकना ही लीजिएगा ताकि आपके गोला कबाब टूटे नहीं। अब देखिए, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर एक में ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी इसको अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा डाल के। ये देखिए, मैं चॉपर ले आई हूँ, अब इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से। हम ब्लेंड करने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा ब्लेंड हुआ ये। ये देखिए, हमारा सारा ब्लेंड हो चुका है। अब इसको इसी बाउल में निकाल के आप थोड़ी देर के लिए रख दें। थोड़ी देर हो गई है, अब इसमें हम स्टीम लगाएंगे। पहले ये देख रहे होंगे आप कितना अच्छा सा ये ब्लेंड हो चुका है हमारा। अब मैं फॉइल पेपर रखूंगी, फिर कोयले को मैंने चूल्हे पर रख दिया था, अब उसको कोयले को रखेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर हम प्लेट ढक देंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़े दिन से बहुत ख़राब है। ये देखें, स्टीम लग रही है इसमें अच्छी तरीके से। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है कोयले का इसमें। अब देखें, हमने हाथ तेली पे ऑयल लगाया है और एक पेंसिल से गोला कबाब बनाऊंगी। मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था, उसमें गरम हो गया है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम गोला कबाब डालेंगे एक एक करके। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है माशाल्लाह से इस पर। अगर आप बारबेक्यू सिस्टम नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी गोला कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी रहता है, कोयले का बहुत मुश्किल से सेटअप होता है, तो इसलिए हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और फैमिली भी बहुत खुश हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम आपसे सारे फ्राई करने के बाद मिलते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। और ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।